तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सीरीज में आज हम बात करेंगे दो यूनिक तरह के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अभी तक हम बात कर रहे थे एक सिंगल मॉन्यूमेंट की एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कैसे? जैसे कि हमने बात करी सांची स्तूप की, नालंदा महाविहार की, बोध गया की, या रेड फोर्ट की, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, इस तरह के मॉन्यूमेंट्स की बात करी, तो ये सारे के सारे जो थे एक सिंगल मॉन्यूमेंट थे। लेकिन जो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, ये जो है दो सिटीज अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक जयपुर दूसरा अहमदाबाद। तो ये सिटीज कैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो गई, इसके बारे में हम आज इस एपिसोड में बात करेंगे। और इनकी स्पेशलिटी क्या थी कि पूरे के पूरे शहर को और उसके अंदर आने वाले बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करके एज ए सिंगल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया यूनेस्को ने। तो चलिए पहले बात करते हैं जयपुर शहर की, जिसको यूनेस्को ने 2019 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। जयपुर, इसका नाम मिलता है सवाई जयसिंह से। तो सवाई जयसिंह टू ने इस शहर का एस्टेब्लिशमेंट किया 1727 के अंदर। वो एक कछवाहा डायनेस्टी के किंग थे। ये दूसरे शहरों से थोड़ा सा अलग तरह का शहर था, इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। अलग किस कंटेक्स्ट में था? क्योंकि ये जो शहर बसा हुआ था ये एक प्लान स्ट्रक्चर में बना हुआ था, मतलब जो हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग या जो हमारे वास्तुशास्त्र बोलते हैं या वैदिक आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग इस पूरे शहर को बसाया गया। तो इसकी स्पेशलिटी ये थी कि इसमें ग्रिड सिस्टम बनाया गया था। जैसे हम देखते हैं कि आयरन ग्रिड्स का यूज किया जाता है किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसी तरीके से इस पूरे शहर को बसाने के लिए ग्रिड सिस्टम बनाया गया, जिसके अंदर जो चौराहे थे, बाजार थे, पब्लिक बिल्डिंग्स, हवेली, मंदिर और जो दूसरे तरह के आर्किटेक्चर थे उनको सोच समझ के एक तरीके से एक पर्टिकुलर वे में बनाया गया। ये जो शहर उस टाइम पर डेवलप किया गया था, इसको एज ए कमर्शियल कैपिटल के तौर पर डेवलप किया गया था, जिसमें कि जो अलग अलग ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनको इनवाइट करके यहाँ पे ट्रेड करने के लिए एक तरह से उनको जगह दी गई थी। तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज हैं, पेंटिंग का भी काम होता है और जो स्टोन का काम है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह के सारे जो ट्रेड होते हैं उनको जगह देने के लिए, उनको फ्लरिश करने के लिए एक तरह से पूरे पूरे सिटी का निर्माण किया गया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जयपुर में और क्या चीजें पॉपुलर हैं, फेमस हैं, तो हम जानते हैं कि जयपुर को ऐसे पिंक सिटी बोला जाता है। तो पिंक सिटी क्यों बोला जाता है? बेसिकली ये कंसेप्ट कब स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो हुआ यूं कि 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी यूके के अंदर जो वेल्स नाम की जगह है, वहां के प्रिंस जब यहाँ आ रहे थे तो उनके वेलकम के लिए 1876 में इस पूरे शहर को, उसके वहां पे जितने भी घर थे उनको पिंक कलर में पोत दिया गया, ताकि एक अलग तरह का कुछ दिखे और उनको एज अ जेस्चर ये मिले कि हाँ, आपके वेलकम के लिए, आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे तब से ये एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है और आज भी देखोगे तो लोगों के घर जो है पिंक में मिलते हैं, इसीलिए इसको पिंक सिटी बोला जाता है। यहाँ पे जो दूसरे तरह के अट्रैक्शन है उसमें हवा महल, जिसमें 900 से ज्यादा खिड़कियां हैं। हम जानते हैं राजा महाराजाओं ने अपनी वाइफ्स के लिए उनको बनाया था ताकि वो शहर को आराम से देख सकें। उसके अलावा सिटी पैलेस, जो एक सीट भी रही है पावर की जयपुर के अंदर, वो भी यहीं पर है। उसके अलावा जो एक एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए जो जंतर मंतर है वो भी यहाँ पे है, वो अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको भी हम कवर करेंगे एक एपिसोड के अंदर। उसके अलावा जयपुर के अंदर बहुत सारे फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, म्यूजिक के लिए भी बहुत पॉपुलर है राजस्थान। जैसे हम जानते हैं क्लासिकल म्यूजिक के अंदर जो कथक है, जयपुर घराना, अपने आप में उसके लिए भी बहुत पॉपुलर है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से जयपुर के हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस को देखते हुए इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा। अब बात करते हैं अगले वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो एक सिटी है अहमदाबाद, इसको 2017 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। जैसे कि हमने जयपुर की बात करी कि उसका हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या था, उसी तरीके से अहमदाबाद का भी अपना एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। इसको 15th सेंचुरी में एक अहमद शाह नाम के सुल्तान ने एस्टेब्लिश किया। ये बसा हुआ है साबरमती रिवर के बैंक्स पर और ये कई सेंचुरीज तक गुजरात के कैपिटल के तौर पर भी काम करता रहा। ये एक फोर्टिफाइड सिटी है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं चार दीवारी है इसकी, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे मॉस्क हैं, टूम्स हैं, हिंदू और जैन टेम्पल्स भी हैं इसके अंदर। लगभग 2000 से ज़्यादा हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं इस अहमदाबाद शहर के अंदर, जो कि अपने मल्टी कल्चरल आर्किटेक्चर और मल्टी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी और दूसरे तरह की चीज़ें भी देखने को, जैसे कि म्यूजियम्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं, साबरमती आश्रम है। हम जानते हैं कि साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी की जगह थी, जहाँ वो काफ़ी टाइम तक रहे
और वहां से उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी कंट्रीब्यूट किया इसी जगह से। अहमदाबाद टेक्सटाइल के लिए भी बहुत पॉपुलर है, जिसको इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा वर्ल्ड फेमस जो काइट फेस्टिवल होती है, जिसको हम सारे लोग जानते हैं, तो वो भी अहमदाबाद में ही ऑर्गेनाइज होती है। तो ये थी हमारे दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो सिटीज थी। अब हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हमारे कुछ टूम्स मेमोरियल रहेंगे जो बेसिकली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और यूनेस्को की कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उनको हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ में, इसको सब्सक्राइब करके। वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें बाकी लोगों के साथ।